मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित रेड लाइट एरिया में बीते 30 अप्रैल को एक महिला जरीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर इस हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों बिलाल और नावेद को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए तमंचे को भी बरामद कर लिया गया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से सुरेश दैया की रिपोर्ट। 30 तारीख को सेक्स वर्कर्स के ग्रुप की संचालिका की हत्या हुई थी शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास, और इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। हमारी जो लोकल यूनिट है एसटीएफ की, ये किसी बड़े मामले की जांच में थे। दरमियान जांच इनको इन हथियारों का पता लगा, इसको परसू किया, इन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसमें भीतर की कहानी समझ में आई। दो लड़के जो पकड़े गए हैं बिलाल और नावेद, उसने इसके पैसे छीन के उस संचालिका को दे दिए थे, इसलिए वो उससे पैसे मांग रहा था। जब ये दोबारा गया फिर इसके साथ उसने बदतमीजी की, जैसा इसका कहना है, और इसी पर इसने वो 315 बोर का कट्टा निकाल के उसे गोली मार दी।